सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, शुरू में इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा बट उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मदर टिंचर के बारे में जिसका नाम है जकरंडा कोरबा। तो बात करेंगे इस मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन क्या है और ये पुरुषों के ऊपर किस तरीके से वर्क करती है, यानी कि पुरुषों की बहुत सारी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स, ऐसी मेजर डिजीजेज जिसके ऊपर बहुत कम ऐसी मेडिसिन से जो एक्ट कर पाती हैं, बट ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे डिजीज पर वर्क करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक और जानिए इस मेडिसिन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप अपना या अपने फैमिली मेंबर में से किसी का इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9305024291 पे कॉल करके या WhatsApp करके अपने लिए अपॉइंटमेंट्स या प्रॉपर ट्रीटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है जकरंडा करोबा। ठीक है, जकरंडा करोबा है क्या? ये एक मदर टींचर है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है मेल यानी कि पुरुषों के ऊपर, पुरुषों की वेनरल डिजीजेस। वेनरल डिजीजेस मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको हम इन फॉर्म बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी मतलब आपकी यहाँ पर एसटीडी में आपकी सिफिलिस जैसी और गनोरिया जैसी बहुत मेजर डिजीजेस भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जो मेडिसिन है ये मेल यानी कि पुरुषों की वेनरल डिजीज पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है, जैसे कि सिफिलिस। सिफिलिस के सिम्टम्स हम यहाँ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेनिस के ऊपर कट लग गया है, यानी कि जो हमारे ग्लांस पेनिस से आगे का जो पेनिस है या शाफ्ट है उस पर घाव हो गया। कैसे? उस पर कट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सड़ गया है, एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ये आपकी सिफिलिस की कंडीशन हो गई। तो जैसे मैंने बोला कि सिफिलिस की कंडीशन में कट लग जाता है, घाव लग जाता है, तो पेनिस जो आप देखेंगे ना वो बहुत ही ख़राब देखने में लगेगा। इसके साथ साथ उसमें से एक बहुत बदबूदार स्मेल भी आपको देखने को मिल सकती है। अगली कंडीशन आती है गोनोरिया। पुरुषों में गोनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको। यहाँ पर क्या होगा, जो मेल का जो डिस्चार्ज होगा पेनिस से वो येलोविश हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पस निकल रहा है, बट एक वो येलोविश डिस्चार्ज होता है, टिपिकल गोनोरियल डिस्चार्ज जिसे हम बोल सकते हैं, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। अगली कंडीशन आती है फिमोसिस। जी हाँ, ये मेडिसिन फिमोसिस और पैराफिमोसिस दोनों में ही काफ़ी अच्छा वर्क करती है। फिमोसिस की कंडीशन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जब पेनिस जो हमारा इरेक्शन कंडीशन में आता है या नॉन इरेक्शन कंडीशन में आता है, जब भी हम उसकी जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसको पीछे की तरफ लेके आते हैं ग्लांस पेनिस से, तो जो उसको कहते हैं प्री फेज, इसको बोलते हैं, तो वहाँ पर प्री फेज में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और जब इरेक्शन आएगा तो ये जो पीछे स्किन आ रही है वो तो पीछे आएगी नहीं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और ब्लीडिंग, यहाँ पर आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पैराफिमोसिस में, तो यही मेडिसिन आपकी जकरंडा करोबा काफ़ी अच्छा वर्क करती है। जब हमारा पेनिस की जो स्किन होती है वो पीछे आ जाए ग्लांस पेनिस से और उसके बाद वापस वो पीछे आगे ना आ पाए, यानी कि जब भी हम कोशिश करें मैकेनिकली यानी फोर्सफुली भी लगाएं तो भी आगे नहीं आ पाए और आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में फिमोसिस की जो कंडीशन दिखाई दिख रही है, पैराफिमोसिस की जो कंडीशन है वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगली कंडीशन ऐसे आती है जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि सर जब भी हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो मुझे पेन होता है, मुझे दर्द होता है, सब कुछ ठीक है, ना तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, ना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, बट सर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए और सेक्स करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो हम क्या करें? तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है, आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं कि सर पेनिस के ऊपर जो पिंपल्स हैं, यानी कि पेनिस के ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, इनके लिए हम क्या करें?
देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो मेडिसिन है वो वेनेरियल डिजीज़ पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो जो पिंपल्स निकल रहे हैं ये इसी तरीके की डिजीज़ होती हैं, यानी कि STDs होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, तो उनमें किसी डिजीज़ का ये इन्फेक्शन है या आउटब्रेक जिसको बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है मेडिसिन जकरोंडा कारोबा। तो आप इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पेनिस के ऊपर मस्से बन गए हैं या पिंपल्स बन गए हैं। तो ये सभी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है आपकी, सिफिलिस हो गई, गेनोरिया हो गई, फिमोसिस हो गई, पैराफिमोसिस हो गई, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए पेन हो गया और पिंपल्स ऑन पेनिस, ये सारी जो कंडीशन है इसके ऊपर ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इन सब कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं बेलानाइटिस, यानी कि जो हमारा पेनिस होता है उसके आगे जो बैलून शेप का होता है ग्लांस पेनिस का, तो वहाँ पर क्या होता है साफ सफाई मेंटेन नहीं किया जाए, वेनेरियल डिजीज जैसे मैंने आपको बोला, या किसी अदर पार्टनर के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको ये डिजीज हो सकती है जिसके हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेलानाइटिस। तो जो हमारा ग्लांस पेनिस है या आगे का जो पार्ट है वो स्वेल कर जाए, बैलून की तरह फूल जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है बेलानाइटिस। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट को कवर करती है पुरुषों में वेनेरियल डिजीज में, गेनोरिया में, सिफिलिस में, बेलानाइटिस में, तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर हम बात करें इस मेडिसिन की डोजेस के बारे में कि आप इस मेडिसिन को किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप इसकी 10 से 15 बूंद, यानी कि आप आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल लीजिए और दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ करिए। अगर आपकी कंडीशन एक्यूट है यानी कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी मिला के दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी क्रॉनिक हो गई है तो आप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार भी आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की, तो होम्योपैथिक में किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, और आप ये मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं, लोअर पोटेंसी होती है होम्योपैथिक में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। MRP की बात करूँ तो आपको ये 200 रुपये के आसपास की मदर टिंचर मिल जाती है। मेरे पास ये SBL कंपनी की है, तो काफ़ी रेयर मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मौजूद है वहाँ पर, तो वहाँ से आप इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की जकरोंडा कोरबा मेडिसिन के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, और किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पुरुषों की लाइफ में, मेल की लाइफ में, तो आप इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप के जरिए आप अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास मेडिसिन भेज सकते हैं, मेडिसिन की जानकारी दे सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।